बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु में प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है, और इसकी खबर जिस तरीके से नीतीश कुमार को मिली उसके बाद नीतीश कुमार ने बड़ा एक्शन ले लिया। नीतीश कुमार ने अपने आला अधिकारियों को बुलाया बंद कमरे में, जिसके बाद नीतीश कुमार ने आदेश देते हुए साफ कहा कि एक टीम बनाई जाए, तो वहीं टीम को भेजा जाए तमिलनाडु। क्या कुछ बातें हैं वो सामने निकल के आएगी, जिसके बाद स्पष्ट हो पाएगा क्या सच है क्या झूठ है। नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया, जिसके बाद बीते 4 मार्च को नीतीश कुमार के अधिकारी तमिलनाडु पहुंचे हैं, तो वहीं लगातार जांच कर रहे हैं। बता दें आपको कि बिहारी कामगारों पर हमले की खबरों के बीच जो रसाकसी है बिहार में लगातार जारी है, तो वहीं जांच करने तमिलनाडु टीम जो है वो गई है। 4 सदस्यीय टीम 2-3 दिनों तक वहां और रहकर जांच करेगी, तो वहीं पूरी स्थिति को खंगालेगी। बिहार लौटने के बाद अपनी रिपोर्ट जो है, जो टीम गई है वो आकर बिहार में गृह विभाग को सौंपेगी। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, टीम के लोग तमिलनाडु के आला अधिकारियों के भी संपर्क में है, तो वहीं लगातार जांच कर रहे हैं, बिहारी मजदूरों से भी बात कर रहे हैं, क्या कुछ फीडबैक है वो भी ले रहे हैं तमिलनाडु में। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहारी कामगारों पर हुए हमले की जांच मामले में वहां गई बिहार की 4 सदस्यीय टीम ने रविवार को संबंधित अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय लोगों से भी बात कर पूरी स्थिति का फीडबैक लिया है। 2-3 दिनों में जो है टीम के वापस लौटने की संभावना है, लौटने के बाद टीम अपनी रिपोर्ट गृह विभाग में सौंपेंगे। बिहार से तमिलनाडु गई टीम की गतिविधियों के बारे में बताया गया है कि टीम ने जो है सबसे पहले संबंधित जिले के आला अधिकारियों से जो है पूरी स्थिति के बारे में बात की है, तो वहीं कोयंबटूर और त्रिपुरा के बारे में यह कहा जा रहा था कि वहां बिहारी कामगारों पर हमला हुआ है। टीम ने वहां के स्थानीय लोगों के साथ साथ पूरे प्रकरण के बारे में जो है कहीं ना कहीं तमाम चीजें का फीडबैक लिया है। तो वहीं देखा जाए तो बिहार की जांच टीम को इस बात की सहूलियत है कि टीम के 2 अधिकारी तमिलनाडु के ही रहने वाले हैं, तो वहीं वहां की स्थानीय भाषा उनके लिए समस्या नहीं है समझने में। तो वहीं देखा जाए तो बिहार से गई टीम ने बिहारी मूल के कामगारों से भी पूरी स्थिति पर काफी विस्तार से बात की है। इस मसले पर भी बात किया है कि तमिलनाडु से बिहार जा रहे ट्रेनों में भीड़ होली की वजह से है या फिर भयवश मजदूर लौट रहे हैं। टीम स्थानीय थानों से संपर्क कर यह देखेगी कि हमले के संबंध में पुलिस के पास कोई सूचना या फिर प्राथमिकी है या नहीं। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 2-3 दिनों तक बिहार से गई टीम तमिलनाडु में रहकर पूरी स्थिति को खंगालेगी और बिहार लौटने के बाद अपनी रिपोर्ट गृह विभाग में सौंपेगी। बता दें आपको कि 2-3 दिन और जो तमिलनाडु में टीम गई है 4 सदस्य वो कहीं ना कहीं लौट आएगी, तो वहीं 2-3 दिन और देखा जाए तो जांच करेगी टीम के लोग तमिलनाडु के आला अधिकारियों के भी संपर्क में है, तो वहीं तमिलनाडु में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों के बीच दहशत को कम करने के लिए जो है लगातार बातें सामने निकल के आ रही है। तो वहीं देखा जाए तो कई सारे बातें सामने निकल के आ रही है, अब देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल तमिलनाडु में लगातार वह जो मजदूर है बिहारी वो कहीं ना कहीं लौट कर लगातार बिहार आ रहे हैं, तो वहीं भयवश लौट कर बिहार आ रहे हैं। तो बता दें आपको कि तमिलनाडु में बिहार से टीम गई है 4 सदस्यीय टीम, तो वहीं लगातार जांच कर रही है। देखने वाली बात यह होगी कि 2-3 दिन बाद जिस तरीके से टीम आएगी बिहार लौट कर वो क्या कुछ रिपोर्ट सौंपती है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।